अलैकुम बेटा, आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, वालेकुम सलाम। अलैकुम बेटा, आवाज आ रही है? जी जी मैम, आ रही है। मैम आ रही है आवाज। आपका मैंने आज क्विज में इसलिए नहीं रखा कि मुझे कल शाम से मेरा इनबॉक्स भरा था कि एलएमएस एनरोलमेंट, पहले भी मैंने आपसे कहा था कि मुझे लिस्ट भेज दें। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। एलएमएस एनरोलमेंट अगर आपकी भी कंप्लीट नहीं है तो हम एलएमएस पे फिर क्विज कैसे ले सकते हैं? इसलिए क्विज जो है वो आपका जुमेरात को होगा और मैं आपको पेपर जो है वो ईमेल करूंगी आपको, और आप उसमें फिर ईमेल जब मैं करूंगी तो फिर आप जो भी उसका टाइम होगा बेटा 30 मिनट या जो भी उसका टाइम होगा 20 क्वेश्चन और 30 मिनट्स, तो उसमें फिर अगर 30 मिनट के बाद कोई मुझे सबमिट कराएगा तो आई विल नॉट एक्सेप्ट। ये फिर आप बात में रखें, क्योंकि जब आपको इतनी इतना ईज आउट किया जाएगा तो पेपर आपको आपको पर्सनल उस पर ई मेल भी किया जाए ताकि आपको मिल जाएगा टाइम से, तो फिर आपने उसको सबमिट भी टाइम MCQs होंगे ना, सारी पिक्चर्स देखनी है ना, इनकी स्पॉटिंग भी हो सकती है। यस मैम, वो तो आपने हमें लास्ट टाइम बता दिया था। मैम आज भी हमें आपकी मेल नहीं रिसीव हुई थी, जबकि लास्ट टाइम मैंने अपना नेम आपसे क्लास में ऐड करवाया था, लेकिन मेल नहीं आई मुझे। चलिए मैं देखती हूँ, अभी मुझे आज का लेक्चर। ओके मैम। मैम मुझे भी नहीं आई। मैम मुझे भी नहीं आई मेल आपकी। मैम आपको मेल वो सेंड की थी, लिस्ट एक सेंड की थी जिसमें एनरोलमेंट वाले बच्चों का भी इशू था और जो ईमेल वाला इशू था, दोनों वो लिस्ट सेंड करी थी, आप चेक कर लीजिएगा, फिर आप उनको ऐड कर लीजिएगा। हमें भी नहीं आई थी आज ईमेल। चलिए ठीक है, चलिए आप अभी ये पढ़ें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्सिनोमा ऑफ द स्किन, जिसमें हम पढ़ेंगे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, मेलिग्नेंट मेलानोमा, मेनली हम ये स्किन कैंसर्स की जो है ये डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो है वो थोड़ा बहुत मेटास्टेसाइज करता है और 5% केसेस में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो है उसका मेटास्टेसिस होता है, बाकी ये लोकली इन्वेसिव होता है, लोकली जो भी डैमेज करता है, लोकल डैमेज करता है, तो सिर्फ 5% केसेस में मेटास्टेसिस अदर ऑर्गन्स टेक्स प्लेस। फिर है बेसल सेल कार्सिनोमा, जिसमें कि बहुत कम ऐसा होता है कि बेसल सेल कार्सिनोमा जो है वो मेटास्टेसाइज करे, और कुछ स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि मेटास्टेसाइज करता ही नहीं है, यानी कि ये सिर्फ लोकली इन्वेसिव है, दूसरे ऑर्गन तक नहीं जा सकता। तो बहरहाल इनके प्रोग्नोसिस और अगर टाइमली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो जाए तो इनके प्रोग्नोसिस यानी कि ये ठीक हो जाते हैं। और मेलिग्नेंट मेलानोमा जो है वो उसका मेटास्टेसाइज करने का रेट बहुत ज्यादा है, उसकी स्किन को वो इन्वेड करता है, जब सम एमएम ही वो 3-4 mm अगर स्किन के अंदर चला जाए तो पेशेंट में वो बहुत जल्दी मेटास्टेसाइज कर जाता है, लेकिन यानी कि दूसरे ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स, लिवर, किडनी वगैरह तक पहुंच जाता है। तो इसलिए ये जब पेशेंट प्रेजेंट करता है मेलिग्नेंट मेलानोमा वाला, तो मोस्टली केसेस में मेटास्टेसिस हो चुका होता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा खतरनाक स्किन ट्यूमर है मेलिग्नेंट मेलानोमा। तो malignant melanoma is the most dangerous type of skin carcinoma. Anyhow, सबसे पहले हम पढ़ेंगे squamous cell carcinoma, जो कि lower part of the face पे ज़्यादातर cases में होता है। Otherwise जी, sun exposed areas में होता है, face पे, hands पे, ठीक है, जो sun exposed areas होते हैं, extremities यानी टांगे बाजू, वो हमारे body organs जो कि ज़्यादा sun exposed होते हैं, क्योंकि sun rays में UV rays जो होती हैं वो स्किन के सेल्स के अंदर उसके डीएनए में ऐसा चेंज ला सकती है, कार्सिनोमेटस चेंज ला सकती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो जिसकी वजह से वो नॉर्मल की बजाय एबनॉर्मल की तरफ चल पड़े और कार्सिनोजेनेसिस, कार्सिनोमा यानी ट्यूमर फॉर्मेशन शुरू हो जाए। तो यूवी रेज जो है दे हैव गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दे आर टॉप रिस्क फैक्टर फॉर द पोजेशन ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। Only 5% cases metastasize, otherwise ये सिर्फ locally invasive है और इसको excise कर दें, इसकी surgery कर दें, तो usually curative, ठीक है,
लेकिन ये है कि अब आप देखें कि ये जिस जगह को इन्वॉल्व कर रहा है तो सर्जरी से भी कितनी डिसफिगरमेंट होगी, जल्दी पकड़ लेना। जैसे आगे हम एक और पिक्चर देखेंगे, उस स्टेज पे अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो गर्दन में एक्सेसिव एक्सपोजर टू सनलाइट इज द मेन रिस्क फैक्टर फॉर व्हिच इज पॉसिबल व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द कॉजेशन ऑफ स्क्विमस सेल कार्सिनोमा। इसके अलावा और भी रिस्क फैक्टर्स हैं, वो क्या है? आर्सेनिक के साथ रिलेट किया जाता है, आर्सेनिक इंजेक्शन, आर्सेनिक इज अ केमिकल कार्सिनोजन, तो उसके साथ एसोसिएट किया जाता है कि जो लोग आर्सेनिक इंजेक्शन कर लेते हैं या अपने वर्क प्लेस पे इस चीज को एक्सपोज होते हैं उनमें ज्यादा रिस्क है। जो लोग रेडिएशन को अपने वर्क प्लेस में एक्सपोज होते हैं, रेडिएशन वर्कर्स। इसके अलावा प्री एग्जिस्टिंग एक्टिनिक केराटोसिस, एक्टिनिक केराटोसिस स्किन कंडीशन, क्रॉनिक इंफ्लेमेटरी स्किन कंडीशन। आज के लेक्चर की लास्ट स्लाइड में इसको आपको दिखाया जाएगा एक्टिनिक केराटोसिस कैसा नजर आता है। तो इट्स अ क्रॉनिक इंफ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द स्किन, क्रॉनिक अल्सरेटिव इंफ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द स्किन। जहां भी कभी कहीं पे बॉडी में इंटरनली एक्सटर्नली क्रॉनिक इंफ्लेमेशन होगी वहां पे कार्सिनोमेटस चेंज आ सकता है। क्योंकि क्रॉनिक इंफ्लेमेशन का क्या मतलब है कि इंफ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था और वो कम्प्लीटली तौर पे एंड नहीं हुआ, और थोड़ा बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग पुराना जो है वो क्रॉनिक इंफ्लेमेशन में चेंज हो गया। एक्यूट इंफ्लेमेशन हुई वो पूरी तरह से सेटल नहीं हुई और वो क्रॉनिक इंफ्लेमेशन में जो है वो कन्वर्ट हो गई। और वो क्रॉनिक इंफ्लेमेशन का मतलब होता है कि प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए सेल्स के अंदर वेयर एंड टियर, सेल के अंदर टूटने का अमल और दोबारा हीलिंग का अमल। तो इसमें भी क्रॉनिक इंफ्लेमेशन जो है उसमें जो सेल्स के अंदर प्रोसेस हो रहे होते हैं तो उसकी वजह से कार्सिनोमेटस चेंज भी आ सकता है। ठीक है, क्रॉनिक वेयर एंड टियर, क्रॉनिक सेल डीजेनरेशन, डीजेनरेशन, ये सब प्रोसेसेस मिल के जो है वो कार्सिनोमेटस चेंज को भी ट्रिगर कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं भी बॉडी में क्रॉनिक इंफ्लेमेशन हो वहां कार्सिनोमेटस चेंज आ सकता है। तो एक्टिनिक केराटोसिस किसी की एक एग्जांपल है कि ये क्रॉनिक स्किन कंडीशन है, क्रॉनिक इंफ्लेमेटरी स्किन कंडीशन है और इसके अंदर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा बन सकता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में हम एंड पे देखेंगे। क्रॉनिक सन एक्सपोजर की वजह से ही ये कंडीशन भी होती है, ड्राई स्केली पैचेस ऑफ द स्किन हमें नजर आते हैं। और इसके अलावा इंड्यूरेटेड एंड अल्सरेटेड नोड्यूल जहाँ पे स्किन में हो उसको जरूर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। स्किन पे कहीं कोई अल्सर हो उसको जरूर हिस्टोपैथोलॉजी करनी चाहिए, उसकी सर्जिकल सैंपलिंग करके, ताकि देखा जा सके कि कोई स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का बीच में फोकस तो नहीं बना हुआ, ताकि अगर वो है तो उसको टाइमली ट्रीट किया जाए। कार्सिनोमा हमें खुद थोड़ी आपको बताएगा कि मेरे कार्सिनोमा हो, मैं हो रहा हूँ या मैं हो गया। वी हैव टू इन्वेस्टिगेट, वी हैव टू डायग्नोस। तो अगर कोई भी स्किन की पुरानी कंडीशन जो ठीक नहीं हो रही और क्रॉनिक अल्सर जो ठीक नहीं हो रहा तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है ऑन दिस लाइन, ये देखने के लिए कि ये स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा तो नहीं है या बेसल सेल कार्सिनोमा तो नहीं है। ठीक है, 50 ईयर से ऊपर के लोगों में होता है मोस्टली, और ये फेयर स्किन लोगों में होता है क्योंकि आप अब तक समझते हैं कि मेलानिन जो है वो भी यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता था, यूवी रेज स्किन के अंदर करती है। तो मेलानिन जो है वो स्किन पिगमेंट वो यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता था, फेयर स्किन लोगों में वो कम होगा। लाइट आईज और फेयर स्किन और लाइट हेयर ये सारे क्या है कि मेलानिन कम है तो प्रोटेक्शन कम है, तो यूवी रेज को डैमेज करने का रिस्क ज्यादा है, कार्सिनोमा का रिस्क ज्यादा है। इट इज द सेकंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ स्किन कैंसर, ये दूसरी सेकंड मोस्ट कॉमन फॉर्म है स्किन कैंसर की। फर्स्ट मोस्ट कॉमन क्या है? बेसल सेल कार्सिनोमा। इट अफेक्ट्स मोर मेल्स देन फीमेल्स, और ऑस्ट्रेलिया यूएस में क्योंकि वहां पे जो है वो फेयर स्किन के लोग हैं, मेलानिन उनमें कम है तो इसलिए वहां के लोगों में ये ज्यादा है। ठीक है, किस तरह से ये हमें नजर आएगा? जिस तरह आपने पीछे पिक्चर में देखा है कि बिल्कुल पोअरली डिफाइंड रेड और जो है वो एडहेरेंट येलो वाइट स्केल्स, अल्सरेटेड सेंटर, जैसे कि ऊपर हमने इसकी पिक्चर देखी है कि उसके अल्सरेशंस भी हैं, उसके एडहेरेंट येलो कलर के एक्सुडेट्स भी हैं और उसका कोई जो मार्जिन है वो डिफाइंड नहीं है, बिल्कुल मार्जिन जो है वो डिफ्यूज है सराउंडिंग स्किन के साथ। अगर यहाँ से हम सैंपल लेके जो पीछे आपने पिक्चर देखी वहां से हम बायोप्सी लेके, बायोप्सी क्या होती है? सर्जिकली सैंपलिंग द टिश्यू। व्हाट इज अ बायोप्सी और व्हाट इज टेकिंग अ बायोप्सी? बायोप्सी टेकिंग इज सर्जिकली सैंपलिंग द टिश्यू। तो बायोप्सी लेके अगर हम हिस्टोपैथोलॉजी उसकी करें और हिस्टोलॉजिकली उसे देखें माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड प्रिपेयर करके, तो हमें केराटिन पर्ल्स नजर आएंगे। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में हिस्टोलॉजिकली हम देखें तो हमें केराटिन पर्ल्स नजर आएंगे जो कि एक स्पेसिफिक फाइंडिंग है। और जब हमें केराटिन पर्ल्स नजर आते हैं तो हम कहते हैं हाँ ये स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है, तो ये एक स्पेसिफिक फाइंडिंग है इसकी।
प्रोग्नोसिस इसका अच्छा है अगर इसको ट्रीट किया जाए, वेरी एक्सीलेंट. और प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, ऑब्वियसली अवॉइड सनलाइट, और उसके लिए सनस्क्रीन यूज करें. और कैसे डायग्नोज करेंगे, स्किन बायोप्सी करेंगे, और ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, सर्जिकल सर्जरी करेंगे इसकी. और अगर 5% केसेस मेटास्टेसाइज करते हैं, अगर मेटास्टेसिस हो चुका है तो पेशेंट को सर्जरी की तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, तो उसके फेस पे आप सर्जरी करें और सराह भी करें, तो फिर रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी जो पेशेंट्स मेटास्टेसाइज करा हुआ भी उसमें डायग्नोज होते हैं तो उनकी फिर कीमो रेडियो की जाती है. ये भी स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है, ठीक है. तो ये अर्ली स्टेजेस में है, तो इस तरह की कोई क्रॉनिक स्किन कंडीशन अगर नजर आए तो उसको जो ठीक नहीं हो रही तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है. अच्छा, इस तरह का अब ये जो अल्सर सा है या लीजन है या जो है मैस है, तो इसका सर्जिकली सैंपलिंग किसी तरह से ली जाएगी, ऐसे हेल्दी मार्जिन और डिजीज मार्जिन, ठीक है. अंदर से नहीं बायोप्सी लेंगे हम, ये जो मार्जिन है उसमें थोड़ा सा हम हेल्दी मार्जिन लेंगे और थोड़ा सा हम डिजीज पोर्शन लेंगे. उसकी क्या वजह, हम देखना चाहते हैं कि ये जो लीजन है ये नॉर्मल स्किन में कितना पेनिट्रेट किया हुआ, ठीक है. तो ये जरूरी होता है, इस तरह मार्जिन से इसको अपर पार्ट ऑफ द फेस पे लगा होता है. वो कहाँ था, एक्सट्रीमिटीज और लोअर पार्ट ऑफ द फेस. ये कहाँ पे होता है ज्यादातर, हेड नेक अपर पार्ट ऑफ द फेस, और देखने में ये क्लियरली पर्पल, थोड़ा पर्पलिश टिंज इसके अंदर नजर आता है. और ये लोकली इन्वेसिव है, ये मेटास्टेसाइज नहीं करता, इसने यहीं रहना है, ये अंदर ब्रेन तक या किसी इंटरनल बॉडी ऑर्गन तक नहीं जा सकता, ये लोकली इन्वेसिव है. लेकिन यहाँ से ब्लीडिंग भी होगी, पेन भी होगी, और है तो कार्सिनोमा. लोकली जो है वो जहां तक जाएगा वो बोन के नीचे से खाया जाएगा, तो ट्रीटमेंट तो ऑब्वियसली वेरी वेरी नेसेसरी. फेयर स्किन पर्सन में होगा, यूवी एक्सपोजर वाले लोगों में होगा, आयनाइजिंग रेडिएशन के एक्सपोजर वाले लोगों में होगा, आर्सेनिक इंग्रेशन, वही सारी चीजें, इम्यूनोसुप्रेशन या जेनेटिकली जिन लोगों में कार्सिनोमा होने के ज्यादा रिस्क होते हैं, उन्हें अपने पेरेंट्स से अच्छी ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स नहीं मिलती, तो उनमें फिर ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स अच्छी नहीं है, तो ऑब्वियसली कार्सिनोजेनिक जीन्स होंगी फिर उनके अंदर, तो जेनेटिकली बाद लोगों में जो है वो कार्सिनोमा होने का रिस्क ज्यादा होता है. इम्यूनोसुप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है. अब आप सबको अच्छी तरह पता है कि HIV इन्फेक्शन, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो है वो HIV इन्फेक्शन जो है उसकी फाइनल स्टेजेस पे क्या हो जाता है, पेशेंट्स को एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है. तो अब वो इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम हो गया है तो अब पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन होने चाहिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि उसको सर्वाइकल कार्सिनोमा, उसको जो है वो डिफरेंट स्किन कैंसर, उसको जो है वो केकोसिस आर्कोमा, यानी कि ऐसे कैंसर जो आम लोगों में नहीं होते वो भी उसमें देखने में आते हैं. इसका मतलब है कि जिस पेशेंट में इम्यूनोसुप्रेशन होती है उसमें सिर्फ बैक्टीरियल फंगल वायरल इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा नहीं होता, उसमें कैंसर होने का चांस भी ज्यादा होता है. इम्यूनिटी हमें कार्सिनोमा से भी प्रिवेंट करती है, इसलिए अगर किसी पेशेंट में बहुत ज्यादा इम्यूनोसुप्रेशन देखी जा रही है तो उसमें कार्सिनोमा का रिस्क भी बढ़ जाता है. इम्यूनिटी हमें कार्सिनोमा के अगेंस्ट भी जो है वो हमें प्रोटेक्ट करती है. इसकी जब हम हिस्टोपैथोलॉजी करेंगे तो ये जो न्यूक्लियाई है इनकी पैलिसेड अरेंजमेंट हमें नजर आएगी, पैलिसेड अरेंजमेंट हमें नजर आएगी, यानी कि इन्होंने एक कतार बनाई हुई होगी इस तरह की, हमें ये माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आएंगे. इसे कहते हैं पैलिसेड अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई, पैलिसेड का मतलब होता है कतार बना, ठीक है. और ये जो है बेसलॉइड सेल्स है और टैपी स्टेनिंग है और पैलिसेड अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई है और ब्लीड टू टच है, ये कार्सिनोमा अल्सरेट करता है, मेटास्टेसाइज कभी नहीं करता, क्योरेबल है, सर्जिकल एक्सीजन करते ठीक हो जाएगा. और जैसे देखिए ये भी एक डिफरेंट प्रेजेंटेशन है, ये स्किन मॉड्यूल है तो इसको जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो ये बेसल सेल कार्सिनोमा निकला, ठीक है. तो इससे अभी अल्सरेट और ये वो सारा कुछ करना है अभी अर्ली स्टेजेस पे है, ठीक है. तो इस पे भी आप इसको इन्वेस्टिगेट करके ठीक कर सकते हैं. और पेनलेस रेज एरिया ऑफ द स्किन के तौर पर जिस तरह ये है, इस तरह भी ये प्रेजेंट कर सकते हैं, देयर मे बी शाइनी विद स्मॉल ब्लड वेसल इसके ऊपर रन कर रही है अगर गौर से देखें तो. और इसकी जो है बायोप्सी लेके इसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है. इसके अलावा यहाँ पे आप देखें कि पैलिसेड अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई नहीं, बेस के ऊपर कैसे कतार बनेगी, ठीक है. तो हिस्टोपैथोलॉजी में ये पैलिसेड अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो नजर आती है. इसके अलावा अगर हम पूछें इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, सर्जिकल रिमूवल ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, सर्जिकली रिमूव कर दें क्योर हो जाएगा,
ट्रीटमेंट हो जाएगा कंप्लीट, नथिंग एल्स इज नीडेड. विच कार्सिनोमा रेयरली बिकम मेटास्टेटिक, कौन सा कार्सिनोमा है जो शायद ही कभी मेटास्टेसिस करता है कभी नहीं करता, वो है बेसल सेल कार्सिनोमा. और कौन सा कार्सिनोमा है जो स्लोली प्रोग्रेस करता है और मेटास्टेसाइज भी करता है, वो है मेटास्टेसाइज करता है, वो है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा. और मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर कौन सा, बेसल सेल कार्सिनोमा. नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं मैलिग्नेंट मेलानोमा. ये बहुत ही खतरनाक स्किन ट्यूमर है, बहुत ही खतरनाक स्किन कार्सिनोमा है. कई लोगों में ये जो ब्लैक कलर का मोल होता है उसको उन्हें ऑब्जर्व करना चाहिए, अगर वो पेन कर रहा है, रेड हो रहा है, साइज में बड़ा हो रहा है तो उसको जरूर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए. जो ब्लैक मोल होता है उसमें भी ये बन सकता है या ब्लैक मोल की सूरत में बन सकता है, कोई न्यू ब्लैक मोल बना है आपकी बॉडी पे तो आपको उसको जरूर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए. देखने में इस तरह का लगता है रेड जो है वो सरफेस के ऊपर और ये ब्लैक, तो ये बहुत जल्दी मेटास्टेसाइज करता है इंटरनल ऑर्गन्स तक. और सम एमएम तक भी अगर ये स्किन में इन्वेड कर जाए तो ये मेटास्टेसिस कर चुका होता है, फिर कुछ नहीं हो सकता. ये भी फेयर स्किन पर्सन में तो बहुत 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 डेंजरस और सबसे ज्यादा डेंजरस फॉर्म ऑफ स्किन कैंसर है. बहुत मुश्किल इसको क्योर करना, बहुत जल्दी जो है वो पेशेंट स्टेज फोर में चला जाता है जिसपे के जो है वो कीमोरेडियो ही हो सकती है. arises from the melanocytes. तो ये कौन से सेल्स, मेलानिन प्रोड्यूसिंग जो सेल्स है उनका कार्सिनोमा है, उनसे अराइज करता है. ये भी एक्सेसिव एक्सपोजर टू सनलाइट इसके लिए भी सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है. इंपॉर्टेंट इज ट्यूमर थिकनेस, अगर थिन स्टेज पे से पकड़ लिया तो ट्रीट हो सकता है. अगर ट्यूमर थिकनेस ज्यादा हो गई, स्किन के अंदर इन्वेड कर दिया 4-5 mm तक भी कर दिया तो बस फिर. मोस्ट मेलिग्नेंट अमंग ऑल द स्किन कार्सिनोमास, और ये बहुत डेंजरस स्किन कैंसर है, और ये मेलानोसाइट्स की मेलिग्नेंसी है, और ये मेलानोसाइट्स जो है पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं स्किन के अंदर, और मोस्टली ये फेयर स्किन पर्सन में होता है. इसके अलावा डार्क मोल या स्पॉट, ब्लैक स्पॉट के तौर पे भी ये प्रेजेंट कर सकता है. इट इज एन मेलानोमा इज एन अनकॉमन बट अच्छा, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है कि ये इसका इंसिडेंस कम है. मोस्ट कॉमन स्किन कार्सिनोमा कौन सा, बेसल सेल कार्सिनोमा. ठीक है, तो इसके उसके अलावा फिर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा उसके बाद. लेकिन ये जो मेलिग्नेंट मेलानोमा है ये सबसे डेंजरस है लेकिन रेयर है, सबसे डेंजरस है लेकिन रेयर है. और इसके अलावा जो है जब ये थिन हो तो इसका ट्रीटमेंट फिर भी पॉसिबल है, और लेकिन जब इसका मेटास्टेसाइज इंटरनल ऑर्गन्स हो जाए तो यूजुअली फिर ये फैटल होता है. तो इसके क्लिनिकल वेरिएंट्स भी हैं, लेंटिगो मेलिग्ना मेलानोमा, सुपरफिशियली स्प्रेडिंग नोड्यूलर, इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, हिस्टोलॉजिकली फॉर्म, हिस्टोलॉजिकली इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं. Anyhow, surgical biopsy हमने करनी इसके diagnosis के लिए, और surgical excision if diagnosed early, metastasis नहीं हुआ तो फिर surgical excision करनी है. Otherwise, chemotherapy is enough in advanced stage to give patient a palliative therapy. Palliative therapy carcinoma किसको कहते हैं, जिससे मरीज की हालत कदरे बेहतर हो जाए, pain settle हो जाए. उस carcinoma ने किसी cavity को बंद किया हुआ है तो उसका कीमोथेरेपी से साइज थोड़ा श्रिंक हो जाए, कैविटी ओपन हो जाए, मरीज का थोड़ा, फॉर एग्जाम्पल किसी ब्रोंकस में है ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, कीमोरेडियो से उसका साइज थोड़ा छोटा हो जाए, ब्रोंकस जो कि बंद था ओपन हो जाए, मरीज की ब्रेथलेसनेस बेहतर हो जाए, मरीज की पेन बेहतर हो जाए, तो पेशेंट को पदरे क्लिनिकली बेहतर करना पैलिएटिव थेरेपी. लेकिन उससे ट्रीटमेंट या क्योर नहीं होगा, ट्रीटमेंट तो हो रही है लेकिन उससे क्योर नहीं होगा, उससे कम्प्लीटली इरेडिकेट नहीं होगा कार्सिनोमा. ठीक है, बस वो मरीज का कुछ हेल्प आउट उसको करेंगे, उसकी हालत थोड़ी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे बाय पैलिएटिव थेरेपी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी. मेलिग्नेंट मेलानोमा ऐसा भी नजर आता है. उसके बाद हम पढ़ेंगे बर्न या थर्मल इंजरीज. तो ये जो है वो एक कॉमन हमारे एजुकेट सोसाइटी में देखे जाए जाने वाली चीज है, और इंतहाई अफसोस की बात यह है कि इट इज अवॉइडेबल इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इट इज अवॉइडेबल. लेकिन ये होता है हमारे अराउंड. तो इसमें क्या है कि एक्सटर्नल बॉडी सर्फेसिस का भी बर्न हो सकता है और इंटरनल बॉडी सर्फेसिस का भी बर्न हो सकता है. वो कैसे कि बर्न की बिल्डिंग या जो भी इस तरह की कोई जगह है उसमें किसी क्लोज एरिया में अगर पेशेंट बंद हो गया है, इतना स्मोक होता है कि रास्ता नजर नहीं आता ना, तो क्लोज एरिया है, रूम है, उसके अंदर अगर बंद है तो स्मोक सारे जो है वो पेशेंट ने सांस को लेना है तो उसको इनहेल कर लेते, जिसकी वजह से ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स नाक में भी नजर आते हैं, जो है वो
नेजल कैविटी में और लेरिंग्स में, जाहिर है जहां जहां स्मोक को इनहेल किया वहां वहां सारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी स्वेलिंग हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी, वो जल जाएगी। तो इस ये भी सीरियस जो है वो बात है कि इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को, इंटरनल बॉडी कैविटीज को ये इन्वॉल्व करे। और इसके अलावा जो है आपको पता है नेक्रोसिस की, स्किन के डेड होने की नेक्रोसिस की डिफरेंट टाइप्स हैं, तो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस बर्न जो है ये कोएगुलेटिव नेक्रोसिस टाइप की टिश्यू इंजरी करता है। हॉट फ्लेम जिसके फ्लेम जिसका सोर्स हो सकते हैं डायरेक्ट हीट के निकाल, हॉट सोर्सेस इलेक्ट्रिसिटी कैन कॉज बर्न, स्टीम बहुत खतरनाक बर्न करती है, स्टीम का टेम्परेचर एक्चुअली बॉइलिंग वाटर से भी ज्यादा होता है, हॉट वाटर केमिकल एसिड बर्न, रेडिएशन बर्न, तो ये डिफरेंट सोर्सेज हैं जो बर्न का बायस बन सकती हैं। और जो है कौन सी कितना टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बर्न करेगा ग्रेटर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और टाइम ऑफ एक्सपोजर ज्यादा देर के लिए एक्सपोज रहेंगे ज्यादा डैमेज होगा, कम देर के लिए एक्सपोज रहेगा तो शुद्ध कम डैमेज होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सारे एग्जाम्स में आपके आने हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न, टाइप्स ऑफ बर्न, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री। तो फर्स्ट डिग्री बर्न क्या है, जिसमें सिर्फ एरिथीमा यानी रेडनेस होती है और सिर्फ एपिडर्मस इन्वॉल्व होती है, सिर्फ एरिथीमा यानी रेडनेस होती है और सिर्फ एपिडर्मस इन्वॉल्व होती है। और सेकेंड डिग्री जो है वो बर्न वो होता है जिसमें ये छाले बनते हैं, ब्लिस्टर्स, छाले जिसको आप कहते हैं, ब्लिस्टर्स बनते हैं और ये पेनफुल होता है। क्यों? क्योंकि नर्व्स जो है स्किन की सेकेंड डिग्री बर्न में वो मुकम्मल तौर पर नहीं जल गई, नर्व्स डैमेज हुई है लेकिन नर्व्स कम्प्लीटली बर्न नहीं हुई। थर्ड डिग्री में नर्व्स जो है वो कम्प्लीटली बर्न हो जाती है इसलिए वो पेनफुल नहीं होती। तो देखिए यहाँ पेन नहीं है बट इट्स अ मोर एडवांस्ड टाइप ऑफ बर्न, इट इज मोर डेंजरस टाइप ऑफ बर्न। तो सेकेंड डिग्री में क्या क्या होता है, ब्लिस्टर्स बनते हैं और ये पेनफुल होता है। फिर आगे इसकी टाइप है सुपरफिशियल और डीप सुपरफिशियल, जिसमें सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ डर्मिस इन्वॉल्व है, अपर डर्मिस, और डीप जिसमें डीपर लेयर्स ऑफ डर्मिस इन्वॉल्व है, ठीक है। फिर इसमें भी अभी डर्मिस जो है वो पूरी की पूरी नहीं जली, थर्ड डिग्री है जिसमें डर्मिस पूरी की पूरी जली, डर्मिस बर्न कम्प्लीटली थर्ड डिग्री बर्न, फुल थिकनेस बर्न। सो फुल थिकनेस बर्न किसे कहेंगे, थर्ड डिग्री को, फुल थिकनेस बर्न किसे कहेंगे, थर्ड डिग्री को, जिसमें पूरी एपिडर्मिस और पूरी डर्मिस जल चुकी है, तो स्किन कम्प्लीटली जल चुकी है तो उसको हम कहेंगे फुल थिकनेस, यानी बोथ द डर्मिस एंड एपिडर्मिस आर कम्प्लीटली इन्वॉल्व एंड बर्न इन थर्ड डिग्री बर्न। और फोर्थ डिग्री हम तब कहेंगे जब हमें मसल या बोन नजर आ रहे हैं बर्न बोन में से, बर्न बोन में से हमें जब मसल या बोन नजर आ रहा है तो हम इसे कहेंगे फोर्थ डिग्री बर्न। इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़े। फिर हम रिवाइज करते हैं, फर्स्ट डिग्री बर्न किसे कहेंगे, जिसमें सिर्फ एरिथीमा या रेडनेस होगी, जिसमें सिर्फ एपिडर्मिस बर्न होगी, ठीक है जी। और सेकंड डिग्री हम किसे कहेंगे, जिसमें कि एपिडर्मिस भी जलेगी और डर्मिस भी जलेगी लेकिन डर्मिस कुछ ना कुछ बच जाएगी, कम्प्लीटली बर्न नहीं होगी। सुपरफिशियल थिकनेस में जो है वो अपर डर्मिस जलेगी और डीप जो है थिकनेस में डीपर डर्मिस जलेगी लेकिन डर्मिस कुछ ना कुछ फिर भी बच जाएगी। जब एपिडर्मिस और डर्मिस कम्प्लीटली तौर पे बर्न हो जाएगी तो वो होगा फुल थिकनेस बर्न, थर्ड डिग्री बर्न। सो अगर आपसे पूछा जाए कि फुल थिकनेस बर्न कौन सा है तो आप कहेंगे थर्ड डिग्री बर्न, क्योंकि उसमें एपिडर्मिस डर्मिस दोनों कम्प्लीटली बर्न हो जाते हैं। फोर्थ डिग्री बर्न जिसमें मसल और बोन नजर आ रहे हो वहां तक बर्न पहुंच जाए। अच्छा, उसके बाद बॉडी एरिया कितना परसेंट है वो इस तरह से काउंट करते हैं कि एक लिंब 9%, राइट लिंब जो है वो राइट अपर लिंब 9%, ये लेफ्ट अपर लिंब 9%, फेस 9%, बैक 9%, और ट्रंक जो है वो 18%, बैक जो है 18%, एक लेग 9% फ्रंट से। तो इस तरह करके वो आप सबको पता है एरिया हम इस तरह काउंट करते हैं। तो 40% से ज्यादा का जो बर्न होता है वो बहुत 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 सीरियस होता है और उसमें प्रोग्नोसिस पुअर होता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है बर्न को देखते हुए, लोकेशन, फेस जला है तो अब जिंदगी बच भी गई तो कितना बड़ा अजाब है बंदे के लिए, कितनी बड़ी आजमाइश है कि डिसफिगरमेंट उसकी कितनी बुरी हो गई। और फिर इसमें माउथ है और आईज हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, नॉस्ट्रिल्स हैं उससे ब्रीथ करना है बंदे ने, खाना खाना है मुंह से और आंखों से देखना है और फेस को सारी दुनिया ने देखना है तो अल्लाह ही अल्लाह, ठीक है। तो अगर फेस इन्वॉल्व है तो कितनी जो है वो गलत बात है, और नेक इन्वॉल्व है तो उसमें नेक में कितने रोटेड होती है और ये सारे वहां तक वो अगर ओपन हो जाए तो कितनी जल्दी जो है वो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, डेथ हो सकती है। हैंड्स इन्वॉल्व होते हैं, हैंड से दुनिया के हमने सारे काम करते हैं,
बाकी बंदा बचा भी हुआ है तो हैंड अगर बर्न हो गए तो क्या, फीट अगर बर्न हो गए चलेगा कैसे, प्रीमियम का बर्न बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। और इसके अलावा स्पेशल प्रॉब्लम, ये सारे जो बर्न्स हैं ये स्पेशल प्रॉब्लम कॉज करते हैं और केयरफुल अटेंशन मांगते हैं, और इसमें अच्छे से अच्छे बर्न सेंटर में एडमिशन होना चाहिए। इनहेलेशनल इंजरी अगर किसी पेशेंट में, यानी कि बंद कमरे में या दरवाजा वगैरह जहाँ पे बंद हो वहाँ पे, तो कार्बन पार्टिकल्स फेरेंक्स में नजर आएंगे, लेरेंक्स में नजर आएंगे। और अगर किसी बर्न के पेशेंट की होर्सनेस ऑफ वॉइस आप देखें तो इसका मतलब है कि उसको इंटरनल बॉडी इंटरनल बर्न हुआ है। कंजक्टिवाइटिस हो तो इसका मतलब है कि जब आंखें कंजक्टिवाइटिस इंफ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा नजर आ रही है तो इसका मतलब है कि वो चीजें इनहेल भी की होंगी, ठीक है, और फेरेंक्स फेरेंक्स भी जला होगा, ठीक है। तो प्रोग्नोसिस इज बेस्ट डिटरमाइंड बाय बर्न साइज, एज ऑफ द पेशेंट। इन्फ्लेमेशन इंजरी तो नहीं है, पेशेंट की एज, छोटा बच्चा उसमें भी या थोड़ा एरिया भी जलेगा तो बच्चे के लिए तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। एज पेशेंट की इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेमेशन इंजरी है कि नहीं है ये इंपॉर्टेंट है, और बर्न का साइज जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये चीजें डिटरमाइन करती है कि प्रोग्नोसिस कैसा होगा। हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, ट्रीटमेंट प्लान में रिलीफ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, बर्न शॉक हो जाता है ना, स्किन जो है उसने हमें हर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है इसमें हर किस्म के जो डेंजरस इंफेक्शन है चीजें हैं हर चीज से हमें बचाया हुआ है, फ्लूइड लॉस है हर चीज से स्किन ने बचाया, स्किन जल जाएगी तो फ्लूइड तो लॉस हो जाएगा, तो बर्न शॉक हो जाता है जिसको टू लार्ज बोर आईवी कैनुला लगा के आईवी हाइड्रेशन दे के उसको किया जाता है, इस पेशेंट को मॉनिटर किया जाता है, इसकी सारी चीजें इनपुट आउटपुट, एक एक घंटे में कितना यूरिन आ रहा है, इनपुट आउटपुट मॉनिटर किया जा रहा है, तो जितना पेशेंट से निकल रहा है उतना उसको रिप्लेस किया जाता है, ठीक है। आईडीएस का क्या मतलब होता है कि पैरालिसिस ऑफ द इंटेस्टाइन, थोड़ी देर के लिए चंद घंटों के लिए इंटेस्टाइन जो है वो पैरालिसिस, उसका पैरालिसिस हो जाता है, उसकी पेरिस्टाल्सिस नहीं होती, उसको भी ट्रीट करना है। नॉजिया होता है, एनजी ट्यूब डालनी पड़ सकती है इन केसेस में जिसमें 20% से ज्यादा बर्न हो, तो ये बर्न की मैनेजमेंट जो है ये काफी कॉम्प्लेक्स होती है और मल्टीपल एरियाज को और चीजों को इन्वॉल्व करती है, तो इसको अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहें आप बुक से जरूर पढ़ें। और हमें छोटा सा कट लगता है तो हम टेटनस लगवाने भागते हैं, बिल्कुल सही, तो अब तो स्किन रही नहीं, इतनी इतना बड़ा स्किन डैमेज हुआ तो अब तो कहीं से भी टेटनस फोर आकर टेटनस कर देगा, तो टेटनस प्रोफिलेक्सिस इंजेक्शन टेटावेक्स आईएल और इमाटेट के नाम से भी आता है, टेटनस प्रोफिलेक्सिस आम मिल जाता है, और एक दो जो है वो इसकी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है ये प्रिपेयर्ड और उसकी कोल्ड चेन मेंटेन होनी चाहिए और ये आईएल इंजेक्शन लगाया जाता है। बेसलाइन लैब स्टडीज बर्न की बहुत ज्यादा होती है, हर तरह की जो है वो हीमेटोक्रिट ग्लूकोज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन यानी कि आरएफटीज, बर्न शॉक हुआ है तो किडनी डैमेज हो सकते हैं, ठीक है, किडनी को अगर कुछ घंटों के लिए ब्लड सप्लाई ना मिले तो वो तो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस या रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर में चला जाएगा, तो उसको भी फिर रीनल फंक्शन टेस्ट भी देखना है, चेस्ट एक्सरे, पेशेंट ब्रेथलेस है, चेस्ट एक्सरे देखना है, इंटरनल बॉडी कैविटी का बर्न है, और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स और ब्लड भी लगाना पड़ सकता है अगर इम्यूनोग्लोबिन अगर जो है वो हीमोग्लोबिन पहले से कम है, तो सारी की सारी बहुत इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन जो है वो डेली बेसिस पे पेशेंट की कराई जाती है। उसके अलावा वुंड केयर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वुंड में इंफेक्शन नहीं होने देना। आप देखते हैं कि कहीं पे खवातीन को कोई स्टीम लगी घर में या कोई बर्न हुआ तो अब आप देखते हैं कि दो हफ्ते हो गए वो ठीक ही नहीं हो रहा, इसलिए कि उसमें इन्फेक्शन हो चुका है, वो अब एंटीबायोटिक खाएंगे उसके लिए तो वो ठीक होगा, तो बर्न वुंड की केयर उसको लोकल जो है वो एंटीबायोटिक पॉलीफेक्स, आम जो घर में बर्न होती है पॉलीफेक्स, तो पहले बर्न क्रीम जो है भी लगाते हैं लोग जिनमें सिल्वर होती है लेकिन वो स्टेनिंग करती है, सिल्वर कंटेनिंग जो क्रीम होती है बर्न के लिए वो स्टेनिंग करती है, काला कर देती है वहां से बाद में, तो इसलिए पॉलीफेक्स इज द बेस्ट, जैसा भी बर्न है आप पॉलीफेक्स उसको जरूर लगाएं, हल्की सी एंटीबायोटिक जो कि उसको लुब्रिकेट भी रखती है, तो बर्न वुंड जो है हॉस्पिटल में बर्न वुंड की केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट को इन्फेक्शन से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, वो इन्फेक्शन ना हो उसके लिए जो कर सकते हैं करें, क्योंकि इन्फेक्शन नहीं होगा तो फिर ठीक है, इन्फेक्शन हो गया तो सेप्सिस में जाके पेशेंट की डेथ होगी। इसके अलावा ये स्किन टैग्स होते हैं, फाइब्रो एपिथेलियल पॉलिप भी इसको कह सकते हैं मेडिकल टर्म में, एक एक्रोकॉन्ड्रॉन भी कह सकते हैं, आमतौर पर हम इसको कहते हैं स्किन टैग्स, सबने देखे हैं सबकी बॉडी में कोई एक आध
होगा, बहुत लोगों की ना ये बहुत ज्यादा होते हैं और ऑड लोकेशन पे होते हैं, जैसे नेक पे होते हैं, अपर चेस्ट पे बहुत होते हैं, एक्जिमा में होते हैं, एब्डोमेन पे होते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं, कुछ लोगों में ये बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसमें कॉस्मेटिक रीजन के लिए इसको बड़ी इजीली, बहुत इजीली इसको ट्रीट किया जा सकता है। इसकी जो बेस है इसमें लोकल एनेस्थेटिक लगाएं और ऊपर से इसको फोर्सेप्स पकड़ के काट दें या इसको कॉटन से बंद करें, ठीक है, बड़ा इजीली इसको ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि ट्रीट करने की जरूरत ही क्या है, भूल जाए इसको, ठीक है। तो बाकी ये कि कुछ लोग ठीक कर पाते हैं जितने ज्यादा मल्टीपल होते हैं या इस तरह के लोकेशन पे होते हैं कि उनको अच्छा फील नहीं होता, तो फिर वो ट्रीट करवाते हैं, अदरवाइज ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फेस नियर द आईलिड, नेक, ट्रंक के अगले कहीं पे भी होते हैं, दरमियान लगे नेक की टिश्यू कोर होती है और बाहर वही जो स्किन की एपिथेलियम है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो स्किन को लाइन कर रही है, बाहर वही है और अंदर कनेक्टिव टिश्यू कोर है। मैम बात सुने बेटा, मैम ये पेनफुल होता है? नहीं बेटा बिल्कुल नहीं होता, आपने घर के देखो किसे ऐसे तो जरूर होगा। ओके मैम, मैम ये पैल्पेबल होता है? ये पैल्पेबल भी होता है? इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर भी कैसा होता है? कलर अपने किसी माला मुमानी होकर देख ले, आपको कलर पता चल जाएगा। जैसा इसका साइज होता है वैसा इसका कलर होता है, स्किन के कलर जैसा ही होता है, आमतौर पर स्किन के कलर से थोड़ा डार्क भी हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा जी, ठीक है। रफनेस और स्केलिंग ऑफ द स्किन पूरी बीमार के, इसका क्या मतलब होता है? देखिए अब हम हमें यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रही कि नॉर्मल स्किन कहाँ है, नॉर्मल स्किन ये नजर आ रही है, तो फिर व्हाट अबाउट दिस, क्या ये बीमारी है या ये नॉर्मल स्किन है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो इस तरह की चीज को कहते हैं पुअरली डिफाइंड, ठीक है, पुअरली डिमार्केटेड या पुअरली डिफाइंड, जिसके मार्जिन क्लियर ना हो, और शार्पली डिमार्केटेड किसे कहते हैं, जिसके मार्जिन क्लियर ना डिफाइन हो कि ये बीमारी है और ये नॉर्मल स्किन है। तो लेकिन जब वो आहिस्ता आहिस्ता बीमारी जो है वो स्किन के साथ मर्ज कर रही हो, तो फिर हम कहते हैं पुअरली डिमार्केटेड, और ये क्या है, फ्लैग है, क्योंकि हम इसे फील कर सकते हैं, ठीक है। ऑन लोअर फेस, नेक, अपर ट्रंक, जहां जहां हमने बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, जहां जहां हमने सॉरी स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा पढ़ा है, उन्हीं उन्हीं जगहों पर ये होगी, और सन एक्सपोजर क्रॉनिक की वजह से ये होगा केराटोसिस, एंड इट कैन चेंज इनटू, ट्रांसफॉर्म इनटू मैम थर्ड, फर्स्ट डिग्री, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। मैम अपर लेयर पे, हाँ कौन सी लेयर इन्वॉल्व होती है? सुपरफिशियल स्किन। चलो भाई, फर्स्ट डिग्री बर्न में जो है वो मैंने आपसे कहा एरिथेमा होता है, रेडनेस होती है, और एपिडर्मिस ऑनली इन्वॉल्व होती है। तो सेकंड डिग्री बर्न में कौन कौन सी लेयर इन्वॉल्व होती है, बताएं जल्दी जल्दी। शाबाश, एपिडर्मिस एंड अपर डर्मिस। मैम ये स्क्रीन शॉट नहीं हो रही मुझे, स्क्रीन शॉट नहीं आ रहा। सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस।
कौन सी टाइप है जिसमें इंटरवेल कंप्लीटली बर्न हो जाती है? थर्ड डिग्री बर्न में, थर्ड डिग्री, थर्ड डिग्री बर्न। ठीक है, फोर्थ डिग्री बर्न किसे कहते हैं? जिसमें बोन्स की कुछ इंजर्ड ऑल इट्स अ अफेक्टेड हो, मसल्स बोन्स। अच्छा, कौन से एरिया का बर्न जो है वो ज्यादा क्रिटिकल या ज्यादा डेंजरस होगा? कौन से एरिया का, क्या राइट जो है राइट अपर लिप का बर्न ज्यादा डेंजरस होगा या फेस का? फेस का। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स स्किन कार्सिनोमा, स्किन कार्सिनोमा के लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है? सनलाइट। मैम मैंने पूछना था कि सेकंड क्लास जो आपकी 2:00 होती है, वो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं उनका क्विज होना है कि उनका भी कैंसिल हो गया? मैम सेक्शन जो आपका दूसरा सेक्शन है ना, जिनकी 2 बजे क्लास होती है, वो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं उनका क्विज होना है या कैंसिल हो गया उनका भी? उनका भी क्विज नहीं है, वजह यही है कि मुझे एलएमएस एनरोलमेंट के लिए बहुत ईमेल आ रही है, बाद में उन्हें एनरोल करूंगी और फिर रात को आप दोनों का क्विज आपकी अपनी अपनी स्लॉट में होगा। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। डालूंगी और आपको ईमेल भी करूंगी और टाइम से ऊपर प्लीज प्लीज कोई नहीं जाएगा, वरना बेटा मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी इस दफा। उसकी रीजन ये है कि जो है वो 120 नंबरों का जो पेपर है वो जब आप 1 घंटे में वो देंगे तो फिर इसका फायदा नहीं है। मोहम्मद वाशिक क्या पूछ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी बेटा। मैम हमारी क्लास के वो स्टूडेंट जिन्हें आपकी मेल रिसीव नहीं होती, उन सब की लिस्ट मैंने आपको सेंड कर दिया, मेल देख लें, पहले भी 2 मेल की थी, एक अभी की है। जी मैम समझ नहीं क्या का? कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आप लोग एक दूसरे से लिंक शेयर कर लिया करो, आप इतने बड़े हो, इतने समझदार हो, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आप इतने पहले को आप पेपर ना मिले या आपको लेक्चर्स नहीं मिले तो वो मैम आपके पास बहुत कम आ रही है। मैम मैं ये कह रहा हूँ हमारी पूरी क्लास में जिन बच्चों को आपकी मेल नहीं आती उन सब की जो लिस्ट है ना वो मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया, अगर कोई ईमेल वाला ग्रुप है आप उसमें ऐड कर दें उन्हें, बाकी ये कोई इशू नहीं है कि आप लिंक वगैरह सेंड कर दें, इसके लिए वो बच्चे वाली बात तो ना हो। मैम आपको एक मेल किया, पहले वो देख लेना। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।